जनपद रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में भारी बारिश के चलते केदारनाथ जाने वाले सभी पैदल मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन से लेकर घोड़े खच्चरों को भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं प्रशासन द्वारा इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी संवेदनशीलता के साथ लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके तहत ही जिलाधिकारी के निर्देशन पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा यात्रा मार्ग पर फंसे हुए घोड़े खच्चरों के लिए 4.5 टन पशु चारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि घोड़े खच्चर संचालक अपने पशुओं का लाइसेंस या अन्य प्रपत्र चीरबासा हेलीपैड पर प्रशासन की टीम को दिखाकर पशु आहार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पशुपालक ऐसे समय में ईमानदारी के साथ पशु चारा लेकर मार्ग में फंसे पशुओं को अवश्य दें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। दिनांक 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ क्षेत्र में जो अतिवृष्टि हुई, तो अतिवृष्टि के कारण काफी जो है मार्ग हमारे बंद हो गए, जिस कारण यदाकदा कहीं कहीं पर हमारे घोड़े खच्चर जो हैं वो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने की व्यवस्था वो भी उस व्यवस्था पे दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसके क्रम में हम उनके द्वारा वर्तमान में गौरी चीरबासा हेलीपैड सुचारू होने की स्थिति में चीरबासा हेलीपैड में हमारे द्वारा गौरीकुंड क्षेत्र के जो घोड़ा खच्चर स्वामी हैं उनके घोड़े खच्चरों के लिए हमारे द्वारा आहार यहां से शेरसी हेलीपैड से वहां पर आहार पहुंचाया जा रहा है हेली के माध्यम से। और अभी तक हमारे द्वारा लगभग 4.5 टन जो है आहार घोड़ा खच्चरों के लिए हमारे द्वारा पहुंचाया जा चुका है और स्थिति को हमारे द्वारा आकलन किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर और हमारे भविष्य में भी हमारे द्वारा इस प्रकार बढ़ाया जाएगा जब तक कि वहां पर यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी क्रम में हमारे द्वारा कल से हमारे द्वारा घोड़े खच्चरों के लिए आहार लगातार हेली के माध्यम से गौरीकुंड क्षेत्र के घोड़े खच्चर मालिकों की आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी घोड़े खच्चर मालिक हैं वे जो गौरीकुंड क्षेत्र में निवासरत हैं इस समय, वे सभी जाकर के चीरबासा हेलीपैड से अपने पशुओं के लिए आहार वहां से ले लें और आहार अपने पशुओं को आहार दें। इस समय वर्तमान में हमारे द्वारा 4 दिन का आहार पशुओं हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर फिर दोबारा हमारे द्वारा आहार वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी आहार लेने के लिए वहां पर आए तो उनसे मेरा यह अनुरोध रहेगा कि वे अपने पशु के लाइसेंस या अन्य प्रपत्र जो भी हैं वो अवश्य साथ में लेकर के जाएं।